Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूरा पूरा सावन का महीना बड़ा शुभ है, मंगलकारी है, पवित्र है, लेकिन सावन के सोमवार सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। और हम आपको आज बताएंगे कि सावन का शनिवार भी उतना ही ज्यादा पवित्र है, उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए सावन के शनिवार को विशेष कहा जाता है, संपत शनिवार कहा जाता है। सावन के शनिवार की महिमा क्या है, इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 जुलाई 2024, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 9:19 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, दोपहर 1 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर के 1 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ दिशाशूल है, यात्रा करने की मनाही है। अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 27 जुलाई 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, बुध सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा और राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान है वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के महीने का संबंध चंद्रमा से होता है, भगवान शिव से होता है, आखिर शनि का सावन के महीने से क्या संबंध है। देखिए, सावन का जो महीना है ये जल तत्व का महीना होता है और इसमें बाकी तत्व अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु, ये तत्व कमजोर होते हैं। थोड़ी बहुत वायु की स्थिति ठीक रहती है। अब चूंकि जल तत्व की मात्रा ज्यादा रहती है, इसी कारण से मन, पाचन तंत्र यानी पेट और स्नायु तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इसकी समस्याएं लगातार व्यक्ति को परेशान करती हैं। अगर आप वायु तत्व को मजबूत करें सावन में, या वायु तत्व के स्वामी शनि को मजबूत करें, तो स्वास्थ्य और मन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं।
और इसका तरीका बड़ा सरल है। इसके लिए कुछ मंत्रों का जप करना होगा और कुछ सावधानियां आपको अपनानी होंगी। सावन के महीने में सोमवार की पूजा के बाद शनि देव की उपासना सबसे ज्यादा लाभकारी होती है और सावन में शनि देव की उपासना करके आप शनि संबंधी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। सावन के शनिवार पर हमारी चर्चा जारी है। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, हालांकि धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक रूप से शांति मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से इस समय सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए आपके काम पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसा हमने आपको बताया कि सावन के सोमवार के समान ही सावन का शनिवार भी महत्वपूर्ण है, तो सावन का शनिवार क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है, इसीलिए सावन के महीने में एक सामान्य आदमी को स्वास्थ्य की और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन का हर शनिवार उपासना करने के लिए बड़ा अच्छा है और सावन के हर शनिवार को उपासना करने पर व्यक्ति को अपार धन और संपत्ति मिलती है। चूंकि धन और संपत्ति सावन के शनिवार को मिलती है, इसलिए सावन के शनिवार को संपत शनिवार भी कहते हैं। अगर शनि के लिए केवल सावन में उपासना करें तो साल भर शनि के उपासना की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे साल भर शनि की पूजा नहीं कर पाते हैं, दीपक नहीं जला पाते, मंत्र नहीं जप कर पाते, कोई बात नहीं। आप सावन में जितने भी शनिवार पड़ें उतने शनिवार को अगर आप शनि देव की पूजा कर लें तो आपको शनि की पूजा और ज्यादा करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। सावन के शनिवार पर शनिदेव की पूजा कैसे करेंगे इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है, करियर में आपके लिए समस्या के योग बन रहे हैं, दोपहर से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, बड़े निर्णय लेने में इस समय सावधानी रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये तो आप समझ गए कि सावन के शनिवार को पूजा करने के फल बहुत शुभ हैं, बहुत अच्छे हैं। सावन के शनिवार को सामान्य रूप से कैसे पूजा करेंगे? देखिए, सावन के शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के पास जाइएगा, वहां पर एक सरसों के तेल का बड़ा सा दीपक जलाइएगा, पहले भगवान शिव के मंत्रों का जप करिएगा, नमः शिवाय ज्यादा से ज्यादा, फिर शनि देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइएगा या भोजन करने के लिए धन दीजिएगा या उसको अन्न का दान करिएगा। इसके बाद भगवान शिव और शनि देव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। ये छोटा सा काम सावन के शनिवार पर कर लीजिएगा, बाकी पूरे साल में आपको शनि पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और याद रखिए, केवल आपको सावन में जितने भी शनिवार पड़ते हैं उनमें ये छोटा सा उपाय हर शनिवार को करते जाइए, धन, संपत्ति, करियर, रोजगार और स्वास्थ्य, इन तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि,
स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, दोपहर से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, कीमती वस्तु संभाल कर रखिएगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप किसी रोजगार की समस्या से परेशान हैं, आपको करियर में लगातार दिक्कतें परेशान कर रही हैं, तो पूरे सावन में जितने भी शनिवार हैं, हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं, शनि मंत्र का जप करें और निर्धन व्यक्ति को काली उड़द की दाल का या काले चने का दान करिएगा। ऐसा अगर आप पूरे सावन में करते हैं तो आपके रोजगार और आपके करियर की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके स्वास्थ्य में दिक्कत बनी हुई है, आपके स्वास्थ्य में समस्याएं लगातार चल रही हैं, तो सावन के हर शनिवार को आप पीपल के वृक्ष में जल डालें, वहां पर दीपक जलाएं और इसके बाद नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें और भगवान शिव और शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। आप जब भी अपने घर में शमी का पौधा लगाना चाहते हैं तो घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में बाईं तरफ शमी का पौधा लगाइए और बाहर की तरफ मेन गेट के आसपास लगाइए। घर के अंदर आंगन में बालकनी में शमी का पौधा मत लगाइए, कांटेदार पौधा है, घर के अंदर लगाना अच्छा नहीं होगा। अब जानते हैं दिनांक 27 जुलाई 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 27 जुलाई शनिवार को प्रातः काल पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल डालिएगा। इसके बाद वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करिएगा। अगर ऐसा आप सुबह सुबह या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।